भाइयों राम राम। मेहरबानो सोना टैकेज के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा अर्जुन कृष्ण युद्ध। जी हाँ, अर्जुन कृष्ण युद्ध पेश किया जा रहा है। इसके गायक हैं मनोज कुमार कारना व करमवीर बैचला, लेखक हैं कवि हरेराम बैचला बड़ौली। प्रिय श्रोताओं, संसार के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के बाद की घटना है कि इंद्र के दरबार का महान गायक चित्रसेन अपनी धर्मपत्नी चित्रा के साथ अपने विमान में गंगा जी नहाने के लिए पहुंचता है। मेहरबानो, बस यहीं से इस रोमांचकारी किस्से की शुरुआत होती है। सुनिए आगे क्या होता है। अरे एक समय काज कर मुनि गाल स्नान करता गंगा जी के जल के अंदर बढ़ के ध्यान करे एक समय काज कर मुनि गाल स्नान करता गंगा जी के जल के अंदर बढ़ के ध्यान करता के अंदर बढ़ के ध्यान करे था घबरा
बार तब जान लगे श्राप ते भक्ति कल के होती दे प्रमाण बतन लगे मुनि देव का अंदर बड़ के ध्यान करे था को बतलाई कुछ राम गुरु दिखाइए जो ना मानो बात मेरी तो चले द्वारका जाइए कृष्ण को तब हाल सुना के दल से दिलवइए हरे राम या ज्ञानी पे हरे राम या के अंदर बढ़ के ध्यान करे था एक समय का जिक्र मुनि काल स्नान करे था गंगा जी के जल के अंदर बढ़ के ध्यान करे था साथियों चित्रसेन अपनी पत्नी के साथ गंगा जी नहा करके और अपने विमान को उड़ा देता है। चित्ररानी उसे पान लगाकर दे देती है और चित्रसेन से पान की पिक। जैसे ही राजा चित्रसेन पान की पिक को नीचे थूकता है तो देव योग से पान की पिक इसी गालिब के ऊपर आ गिरती है जो उसी समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे। मेहरबानो गालिब ऋषि चित्रसेन के विमान को पहचान जाता है। उसके नेत्र क्रोध से लाल अंगारे होकर धधकने लगते हैं। वह चित्रसेन को भस्म करने के लिए मंत्र बोलना चाहता है लेकिन उसके पास में उसका खड़ा शिष्य शशि उसके मन के भावों को उस ऋषि के मन की बात को पहचान कर उसे कैसे समझाता है सुनिए इस बात के द्वारा। ओ ऋषि जी खपा हो गए जी खपा हो गए।
शशि उसे समझाता है कि गुरुजी श्राप देकर चित्रसेन को भस्म करने से आपकी भक्ति खंडित हो जाएगी, अतः आपको इसे दंड दिलाने के लिए श्री कृष्ण के पास मैं जाना चाहिए। शशि की बात पर ऋषि जी विचार करते हैं और शशि की बात को मान लेते हैं और फिर श्री कृष्ण के पास पहुंचकर सारा हाल सुनाकर चित्रसेन को प्राण दंड देने को कहते हैं। सारी बात सुनकर पहले तो श्री कृष्ण उसे समझाता है कि ऋषि चित्रसेन से जो गलती हुई है वह गलती अनजाने में हुई है, इसलिए उसे आप मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। मगर बाद में ऋषि जिद करने लगते हैं और जिद के कारण श्राप से भय मानकर श्री कृष्ण प्रण कर लेता है कि चित्रसेन के शीश को काटकर मैं तेरे चरणों में डाल दूंगा। नारद जी भी उस समय वहीं पर आकर उस प्रण को सुनता है, वह भी श्री कृष्ण के प्रण को अनुचित मानकर उन्हें समझाता है कि मगर जब कृष्ण जी अपने प्रण पर अडिग रहते हैं तो नारद जी देवलोक में पहुंचकर इस घटना से बेखबर चित्रसेन से किस प्रकार से कहते हैं, सुनिए बात के द्वारा। अरे चित्रसेन तेरे मरने का इंतजाम हो लिया, अरे तेरी जान का दुश्मन खुद घन श्याम हो लिया, चित्रसेन तेरे मरने का, चित्रसेन तेरे मरने का इंतजाम हो लिया, जान का दुश्मन खुद घन श्याम हो लिया।
इब तक बेर को ना तेरी घड़ी का तूतियाली तेरे सर के ऊपर गिर गई घटा आज ऊपर की काली कल शाम तलक मिट जागी तेरे घर की सब खुशहाली तन जंदा ना छोड़ गार केरे सन ने कसम उठाली अपनी मौत बुला ली रे हो अपनी मौत बुला ली क्या अंजाम हो लिया तेरी जान का दुश्मन खुद घन शाम हो लिया गंगा के भीतर बढ़ के मुनि गालिब जिबनावे था तले ऊपर तेरे थूक दिया तू बैठ पान खावे था पहचान लिया तू उतने तुझे पसम करन चावे था काल सीत छावे थार ओ काल सीत छावे था दुख सारे आ मैं हो लिया तेरी जान का दुश्मन खुद घन सा मैं हो लिया मन मंत्र बोलना चाया भक्ति खंडित हो जागी न्यू चेला ने समझाया तेरी कर दी खूब शिकायत वो किरे सन के दौर आया तेरा धरते सीते उतार किर सन ने बीड़ा ठाया हर टैम आखिरी आया रे हो टैम आखिरी आया तू बद नाम हो लिया तेरी जान का दुश्मन खुद घन शाम हो लिया के दौर जाइए धोखे में गलती होगी उसे सारा हाल सुनिए हरे राम न्यू कहता तू इब मत ना देर लगिए अपने प्राण बचाइए रे तू अपने प्राण बचाइए ना ते तमाम हो लिया जान का दुश्मन खुद घन श्याम हो लिया चित्रसेन तेरे मरने का रे चित्रसेन तेरे मरने का इंतजाम हो लिया तेरी जान का दुश्मन खुद घन श्याम हो लिया साथियों नारद जी की बात को सुनकर के चित्रसेन घबरा करके इंद्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करता है मगर इंद्र उसे ये कहकर कि मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं और ये कहकर के इनकार कर देता है अब तो नारद जी उसे अर्जुन के पास जाने की सलाह देते हैं घबराया हुआ चित्रसेन
अर्जुन से जाकर के क्या प्रार्थना करता है? क्या जाओ साल होते हैं तेरे पास में आ गया ओ पार्थ बलवान, तेरे पास में आ गया ओ पार्थ बलवान, शरणागत की लाज रख तो बचा दिए मेरे प्राण, मेहरबान हो। किस प्रकार से दोनों में सवाल जवाब होते हैं, क्या होता है? मैं शरण तेरी आ गया अर्जुन, ए बेजान बचा ले मेरी। अच्छा, अरे कृष्ण त लड़वाना चावे के अतल बिंगड़ की तेरी। मैं शरण तेरी मैं आ गया अर्जुन, जान बचा ले मेरी। अरे कृष्ण त लड़वाना चावे के अतल बिंगड़ की तेरी। अनजाने में कर बैठा मैं, ओ अनजाने में कर बैठा कर मेरी माँ खता दे। अरे कौन सा क्या कसूर है तने सब खुल के मन है बता दे। मुनि गालब के अपमान करने के कोना मेरे इरादे। अरे किस कारण नाराज ऋषि हुए ये तू मन जता दे। हा किस कारण नाराज ऋषि हुए ये तू मन जता दे। मैं गंगा जी नहा के चला हो, मैं गंगा जी नहा के चलनू मेरी हानि घेरी। अरे श्री गंगा ने क्यों दोष धरवा तो जग में बड़ी बढ़ेरी। शरण तेरी आ गया अर्जुन मेरे जान बचा ले मेरी। अरे कृष्ण त लड़वाना चावे के अकल बिंगड़ की तेरी। ऊपर पड़ गी के तेरी जाज की छाया। मन पान लगा कथूक दिया जो इसी के ऊपर आया। इसमें के नुकसान है दोबारा क्यों ना ऋषि जिन्हाया। इसमें के नुकसान है दोबारा क्यों ना ऋषि जिन्हाया। मरवाने की ठान लई हो, मन मरवाने की ठान लई न्यू कर दी रात अंधेरी। अरे उसके कहने ते किरसन ने निगा तेरे ते फेरी। मैं शरण तेरी आ गया अर्जुन बे जान बचा ले मेरी। अरे कृष्ण ते लड़वाना चावे के अकल बिंगड़ की तेरी। पैर दबा दिया। अरे बिन
सोच कृष्ण जी ने क्यों उसकी बात को मान लिया। ओ कल शाम तक मुझको मारे हनु कृष्ण ने परण किया। अरे बिन सोच कर लिया परण ना कृष्ण जी कहलाया। बिन सोच कर लिया परण ना कृष्ण जी कहलाया। मुझको जिंदा ना छोड़े हो, मुझको जिंदा ना छोड़े हो, जागी तू बढ़ेरी। मैं इसमें के कर सकता हूँ ये कर्मा की हद फेरी। शरण तेरी मैं आ गया अर्जुन रे जान बचा ले मेरी। हर कृष्ण ते लड़वाना चावे के अकल बिगड़ की तेरी। कृष्ण का के तू युद्ध कराना चाहता। मेरा जग में कोई साथी ना अब तू ही मेरा विधाता। मैं नर हूँ वो नारायण मारा जन्म जन्म का नाता। मैं नर हूँ वो नारायण मारा जन्म जन्म का नाता। कथ गा दे हरे राम बैसले हो, तू कथ गा दे हरे राम बैसले क्यों करता ये बदेरी। अरे सोनोटेक कंपनी में आजे मात शारदा तेरी। शरण तेरी मैं आ गया अर्जुन ने अब जान बचा ले मेरी। अरे कृष्ण ते लड़वाना सावे के अकल बिगड़ की तेरी। अर्जुन चित्रसेन को कृष्ण बचाने से साफ इनकार कर देता है। अब तो चित्रसेन फिर नारद से मिलता है। कुछ देर के लिए तो नारद जी भी सोच में पड़ जाते हैं, मगर उसे एक उपाय सूझता है। वह चित्रसेन से कहता है कि तुम कल सवेरे गंगा जी के किनारे पर चिता बना करके उसमें लेट जाना, और मैं अर्जुन की जो घरवाली है सुभद्रा उसको दान लेने के बहाने गंगा जी के किनारे ले आऊंगा। हमें देखकर तुम्हारी पत्नी विलाप करने लगेगी। जब सुभद्रा पूछे तो उससे पहले तीन वचन भरवा लेना। मेहरबानो, ऐसा ही हुआ। योजना के अनुसार नारद जी भी सुबह सुबह सुभद्रा को गंगा जी पर ले आता है। सुनिए भला कैसे। सुभद्रा जब दान के लिए वहां पहुंच जाती है तो किस प्रकार से चित्रा रानी विलाप करती है, सुनिए बात को। ओर गंगा जी के ओर घाट पे चित्रा रानी झगड़े जोवन लागी। चिता के धोरे बैठ गई और दहाड़ मार के रोवन लागी। गंगा जी के घाट पचता रानी झगड़े जोवन लागी। चिता के धोरे बैठ गई और दहाड़ मार के We'll be right back.
चिता बना ली सूरत फिर भिंड रूप बना ली ओ सूरत फिर भिंड रूप बना ली वो चित्र सैन की वो घर वाली चित्र सैन की वो घर वाली रे दिन गानी ने सोवन लागी चिता के दौरे बैठ गई और दाहर मार के रही थी डर में ओ रकाया कांप रही थी डर में बिलक बिलक के ऊंचे सर में बिलक बिलक के ऊंचे सर में बचने की राह सोहन लागी चिता के दौरे बैठ गई और दहाड़ मार के रोवन लागी लेटा कफन तान के ओ रचितर लेटा कफन तान के नारद जी की सीख मान के नारद जी की सीख मान के झूठे थूके बिलोवन लागी चिता के दौरे बैठ गई और दहाड़ मार के रोवन लागी बंधरी थी झूठी झूठी ओ धीर बंधरी थी साथी झूठी हरे राम की तर्जे नूठी हरे राम की तर्जे नूठी सबके मन ने मोहन लागी चिता के दौरे बैठ गई और दहाड़ मार के रोवन लागी गंगा जी के रात पचता रानी झगड़े जोवन लागी चिता के दौरे बैठ गई और दहाड़ मार के रोवन लागी चित्रा को ये सारे प्लान बता देता है तो रानी चित्रा अपने पति को ले जाकर गंगा जी के घाट पर और एक चिता बनाकर के लिटा देती है और खुद विलाप करने लगती है। रोने की आवाज को सुनकर के नारद जी और सुभद्रा वहां आ जाते हैं जहां चित्रसेन चिता के अंदर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी चित्रा उसके पास दाड़ मार कर रो रही थी। समुद्रा उसे धीर देती हुई कहती कि बहन क्या कारण है जो आप रो रही हैं? उन दोनों में क्या जवाब सवाल होते हैं? तू किस कारण से मुझको दे बहन बता सुनकर तेरे विलाप ने मैं दिया
जिगर गया कहलाए। मेहरबानो चित्रा क्या कहती है, अरे तू क्या बहना कर सके जा देखी अपने काम, ये और किसी का खोट ना मेरे रूठ गए है राम। दोस्तों किस प्रकार से दोनों में चित्रा और समुद्रा में सवाल जवाब होते हैं, सुनिए बात जरा। सुन ले दिक के बुझस बहन मेरी तो दुनिया आज उजड़गी, के बुझस बहन मेरी तो दुनिया आज उजड़गी। तेरा काम बता, हो तेरी मदद कुछ कर दूंगी तू दुखी अपना सारे आम बता। अरे तू के मदद कर बहना जब रूठ गया मेरा राम बता, तू के मदद कर बहना जब रूठ गया मेरा राम बता। करनी पड़े लड़ाई से,
करनी पड़े लड़ाई से। ये बिना अकड़ेगी ओ रोने वाली मने बता के रुक तेरे पे पड़गी। दिख के मुझे तो बहन मेरी ओ दुनिया आज उजड़ेगी। सारा दुख सुनाऊंगी ओ धीरज दरगाह में रावे मत तेरा कष्ट मिटाऊंगी। हरी मारी जान जो बचाना तेरा ना एहसान भुलाऊंगी। मारी जान बचाना बहना तेरा ना एहसान भुलाऊंगी। ये पार निकलेगी ओ रोने वाली मने बता के विपत तेरे पे पड़गी। हर के मुझे सो बहन मेरी ओ दुनिया आज उजड़ेगी। दोस्तों रानी चित्रा सुभद्रा से तीन वचन भरवा लेती है और तमाम घटना को उसके सामने पेश कर देती है। अब तो रानी सुभद्रा सोच में पड़ जाती है क्योंकि एक तरफ तो उसका भाई किशन है जिसने चित्रसेन को मारने का प्रण कर रखा है और दूसरी तरफ उसने यानी खुद ने उसे बचाने के तीन वचन भर लिए हैं। बहुत सोचने के बाद जब वह अपने वचनों की मर्यादा को ध्यान में रखती हुई चित्रसेन से अपने साथ ले आती है, उसे अपने महलों में छुपाकर और खुद को भवन में लेट जाती है। आसन पार्टी देकर प्रेमी बंधु जब अर्जुन महलों में आते हैं तो कोप भवन में जाकर उसे इस आसन पार्टी लेने का कारण पूछते हैं तो तब सुभद्रा उसे क्या कहती है। पिया अंग अंग सब जल रहा मेरा नाश सोधी में घात। पिया अंग अंग सब जल रहा मेरा नाश सोधी में घात। पहले दे दो वचन मुझे फिर बाद में पूछो बात। दोस्तों किस प्रकार से सुभद्रा अर्जुन को वचनों में बंद करती है, क्या कहती है सुनिए। पहले दे दे वचन पिया फिर बात करूंगी वरना जिंदगी तो दूसर तेरे दोष धारूंगी। पहले दे दे वचन पिया फिर बात करूंगी वरना जिंदगी तो दूसर तेरे दोष धारूंगी।
तेरी कोना आस वचन की मैं तो ठोड़े मारूंगी, वरना जिंदगी खोदू सर तेरे दोष धारूंगी। पहले दे दे वचन पिया फिर बात करूंगी, वरना जिंदगी खोदू सर तेरे दोष धारूंगी। चिंता रे हाँ आज जागगी चिंता दिल पे कष्ट करूंगी, वरना जिंदगी खोदू सर तेरे दोष धारूंगी। पहले दे दे वचन पिया फिर बात करूंगी, वरना जिंदगी खोदू सर तेरे दोष धारूंगी। साथियों, अर्जुन सुभद्रा की इस बात को सुनकर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुझे प्राण से ज्यादा चाहता हूं, प्यार करता हूं। जो भी कुछ बात हुई थी मुझे वैसे ही बता देती, इस कोप भवन में इस प्रकार लेटने की क्या जरूरत थी। मेहरबानो, कहता क्या तुझे अपने पति अर्जुन पर इतना भी विश्वास नहीं है, और उसे क्या क्या कहता है सुनिए दोस्तों। एरी कोप भवन में लेट रही क्यों तन की दचा बिंगाड़ी,
करना चाहिए ख्याल तने तू पारद की घर वाड़ी री पारद की घर वाड़ी गोप भवन में लेट रही तू तन की दजा बिंगाड़ी करना चाहिए ख्याल तने तू पारद की घर वाड़ी री पारद की घर मतलब री ओ क्या मतलब आसन पटिका वैसे मन बता देती मरम की चोट लगी कैसे सब खोल के भेद सुना देती सुना आज्ञा ना मानी खुद उचका शीश उड़ा देती या दे के आ देश नीच कोरी कोलू मिल हुआ देती कोलू मिलवा देती किया तेरा अपमान नीच सारी बन गया कौन करना चाहिए ख्याल तन पूरी पारद की घर वाड़ी री पारद की घर वाड़ी सब अनमोली वस्त्र तेरे क्यों बेदर दीते फाड़ दिए पश्मीने की साड़ी में जड़े हीरे पन्ने झाड़ दिए नौकर चाकर एक नहीं सबरी महल ते बाहर निकाल दिए री महल ते बाहर निकाल दिए सारा भेद खोल प्यार मत बल पेट की काली करना चाहिए ख्याल तन तूरी पारद की घर वाड़ी री पारद की घर वाड़ी किसने काल ओ किसने काल बुलाय लिया अप मान उर के रख करके उसको जिंदारी ना छोड़ू वो आज रहेगा मर के देव धनुष गंधर्व भाग के मेरे बाना ते डर के माँ भारत का युद्ध जीत लिया री इन हाथों पे लड़करी
इन हाथों पे लड़के धरती और यक्ष मानी लदूं बाखूल की नारी करना चाहिए ख्याल तन तूरी पारद की घर वाड़ी री पारद की घर वाड़ी मैंने दे दिया मैंने वचन तेरे को इव तो बात बता प्यारी मेरे सामने खोले सुना दे अपनी राम कथा प्यारी होप मेरा कुछ ना खाया तू किसने दई सत्ता प्यारी खाल काट के बुच भरवा दूं जिसने करी खता प्यारी जिसने करी खता प्यारी हिम्मत का हरे राम बेच ले रहा वो राम रुखारी करना चाहिए ख्याल तन तू पारद की घर वाड़ी री पारद की घर वाड़ी आरी कोप भवन में लेट रही क्यों अरे तन की दगा बिंगाड़ी करना चाहिए ख्याल तन तू पारद की घर वाड़ी री पारद की घर वाड़ी सोनोटेक के माध्यम से अर्जुन और कृष्ण का युद्ध का भाग नंबर एक यहीं पर समाप्त होता है। इसका दूसरा भाग किसी कंपनी से भाग नंबर दो सुनिए अर्जुन कृष्ण युद्ध। गायक मनोज कुमार ने कर्मी वैसला और संगीत पर साथ दे रहे हैं मास्टर हंसराज के साथी।